पेट दर्द और स्किजोफ्रेनिया, इसके बारे में आज बातचीत करते हैं। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर, मैं मनोविकार सेक्स रोग सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूं, महाराष्ट्र में अकोला में प्रैक्टिस करता हूं। देखिए, स्किजोफ्रेनिया और पेट दर्द का वैसा कोई संबंध नहीं है, मगर अभी जो पेशेंट आते हैं वो हमको काफी सिखाते हैं, तो वो प्रेजेंटेशन में आपको दे रहा हूं। अभी एक व्यक्ति, एक मतलब लड़का मेरे पास में आया, पोस्ट ग्रेजुएट है, उसकी पत्नी भी पोस्ट ग्रेजुएट है, और वो मेरे पास में आया कि पेट का दर्द है और बाएं बाजू में पेट दर्द हो रहा है, उसको लेके वो आ गया। अब वो बाएं बाजू में पेट दर्द है और वो साइकोलॉजिकल हो सकता है, ऐसा उनको लगा क्योंकि उन्होंने मेरे पहले वाले कुछ वीडियो देखे हुए थे। आने के बाद में उसको तपास लिया, पूरा जांच कर लिया, सब तरह की जांच मैंने किया, यूएसजी मतलब अल्ट्रासोनोग्राफी, एब्डोमेन की सोनोग्राफी किया, गैस्ट्रोस्कोपी किया, और कुछ मिल नहीं रहा है, डायग्नोसिस कुछ नहीं हो रहा है। और ये पेट का दर्द करीब करीब एक साल से उसको चल रहा है। इसके पहले भी उसने काफ़ी सारे जांच की थी और वो जांच में कुछ निकला नहीं था, मगर वो हरदम बोलता है कि मेरा पेट दर्द है। और वो करीब करीब एक साल से, अभी एमटेक होने के बावजूद भी, एमटेक है लड़का, काफ़ी बड़े कंपनी में सर्विस कर रहा था, एमटेक होने के बाद में भी वो काम पे नहीं जा रहा है, घर पे बैठा है, कहीं आना जाना नहीं, कहीं मिलना जुलना नहीं, अकेले अकेले बैठना और अपने ख्वाबों में रहना, डे ड्रीमिंग करना, और फिर अभी पेट दर्द के बाहर जाने का नहीं। अभी जब ये हो गया तो हमको लगता है कि भाई प्रॉब्लम क्या है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम भी नहीं है कि भाई कोई ऐसे बाकी जो इरिटेबल बाउल के जो सिम्टम रहते हैं कि ढकार आना, हिचकी आना, एसिडिटी होना, पेट दर्द है, लैट्रिन को बहुत ज़्यादा लग रही है, कॉन्स्टिपेशन होना, ऐसे भी कोई सिम्टम नहीं है। फिर क्या हुआ, फिर हमने देखा कि भाई डिटेल हिस्ट्री लो उसकी, कि भाई क्या हुआ ऐसा। फिर डिटेल हिस्ट्री में फिर वो बता रहा था कि भाई उसके भाई को स्किज़ोफ्रेनिया हो गया था, और उसके भाई को स्किज़ोफ्रेनिया हो गया था, और उसके भाई का इलाज शॉक ट्रीटमेंट के जरिए और मेडिसिन के जरिए अभी भी चालू है। शॉक उसको दिए थे, इलेक्ट्रिक करंट दिया था उसको। अच्छा, फिर हमने बोला मतलब उसने सब बातें छुपा के रखी थी हमारे से। फिर उसको और पूछा तो फिर बोलता है कि हाँ, इसको खुद को भी ऐसा कुछ दौरा स्किज़ोफ्रेनिया का, मतलब डायग्नोज हुआ था स्किज़ोफ्रेनिया, 3 साल के पहले आया था, और उसके लिए भी उन्होंने अपने गाँव में, अपने शहर में साइकेट्रिस्ट से 3 ECT, 3 इलेक्ट्रिक करंट लिए थे और दवाई भी ली थी, बाद में वो थोड़ा सा ठीक हो गया था। तभी ये हिस्ट्री जब है उसके पीछे की, कि इसने इसको खुद को भी शॉक दिए थे, इसके भाई को भी शॉक दिए थे, और ये भी पेट दर्द करके आ रहा है, और बाकी जो है अकेला बैठना, काम नहीं करना, मतलब वो सिंपल स्किज़ोफ्रेनिया के लक्षण उसको दिखाई दे रहे थे। तभी करना क्या, हमने सब तरह की दवाई दिया, 10-12 दिन पेशेंट भर्ती है और एक उसको कौड़ी का भी कोई फायदा नहीं, कुछ फायदा नहीं उसको, कोई भी दवाई दो बोलता कुछ फायदा नहीं, मेरा पेट दर्द कर रहा है, बेचैन है, बोलते रहता है दर्द है। फिर हमने बोला ठीक है, अभी क्या करते हैं, रिलेटिव बोले हम तो तंग आ गए, 2 साल से हम इसके ऊपर इलाज कर रहे हैं और हमको कोई फायदा नहीं हो रहा है। फिर और जैसा पूछा, मतलब कभी कभी अपने मन से हंसता है क्या, बोले हाँ ऐसा कभी लगता है, हंसता है करके, मतलब एक 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 देखो ऐसा होता है, कभी कभी रिलेटिव जो है ना वो बहुत छुपा के रखते हैं चीजें, और फिर हम जब बहुत ज्यादा खुद काम करते हैं तो फिर बताते रहते हैं, कभी अपने मन से हंसता है, अच्छा कभी कभी बातें कर रहा है, कभी कभी करता है, बोले बाकी तो ऐसा कुछ नहीं है। मतलब फिर हम ऐसा करते हैं कि उसको एक पूरा डोज, पूरे सेशन इलेक्ट्रो कन्वर्सिव थेरेपी देते हैं, ECT देते हैं, कि उसके जो लक्षण है वो सिंपल स्किज़ोफ्रेनिया के, पीछे उसको ECT दिए हुए, उसके भाई का स्किज़ोफ्रेनिया का और उसका हिस्ट्री है, इतिहास है, तो हमको इसको भी देना चाहिए। तो हमने बोले ठीक है भाई, आप हमको अच्छा करके दो, बोले हमको तो हमारा पेशेंट अच्छा होने को, हम कुछ भी करने को तैयार है, बोले ठीक है फिर कर देते हैं उसको। हमने फिर इलेक्ट्रिक कन्वर्सिव थेरेपी ECT चालू किया, इन व्यू ऑफ कि भाई ये डायग्नोसिस स्किज़ोफ्रेनिया है, उसको एंटीसाइकोटिक भी हम दे रहे, मतलब देना चालू किया, और फिर धीरे धीरे एक दिन आड़ हम इलेक्ट्रिक कन्वर्जन दे रहे, उसको इलेक्ट्रिक करंट दे रहे, और अभी कम से कम 6 ECT होने के बाद में वो बोले कि अभी मेरा दर्द पूरा निकल गया है, पूरा दर्द निकल गया, बहुत ही खुश। बाकी जो सिम्टम थे, अकेला रहना और कुछ नहीं, अभी मैं जाऊँगा काम करूँगा, ऐसा लड़का बोल रहा है, और एकदम ही ड्रामेटिक रिलीफ हो गया उसको। तो ये बहुत बार ऐसा होता है कि अंदर बीमारी जो है रूट कॉज में अलग बीमारी होती है, बाहर अलग बीमारी दिखती है, पता नहीं ये डिल्यूजन के रूप में था उसको, सोमेटाइज्ड डिल्यूजन, कि भाई ये डिल्यूजन है कि भाई मेरे को ये बीमारी है पेट दर्द की, वो एक पक्का दिमाग में बैठ गया और डिल्यूजन हो गया, इसकी वजह से ऐसा हो रहा था पता नहीं, मगर फायदा उसको हो गया। अभी एंटीसाइकोटिक में उसको चालू रखा है, और वो मतलब उसको बोला कि हमने भाई कम से कम अभी साल भर तक एंटीसाइड चालू रखो ताकि फिर से रिलैप्स ना हो जाए। तो ये ऐसे काफ़ी डिसेप्टिव पेशेंट रहते हैं, तो ये ऐसे लोग रहते हैं तो उनको इलाज करना जरूरी है। आपके भी आसपास में ऐसे लोग होंगे कि जिनको ट्रीटमेंट नहीं है या ट्रीटमेंट दिया हुआ है मगर कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा है,
तो उनको जरूर एक नहीं दो दो नहीं तीन कंसल्टेंट की जरूरत मतलब पड़ सकती है। सेकंड ओपिनियन लो, थर्ड ओपिनियन लो, उसमें कुछ ना कुछ फायदा हो सकता है और वो पेशेंट अच्छे हो सकते हैं और उनका जीवन अच्छा हो सकता है। ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो जरूर शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो। थैंक यू वेरी मच।